कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर एक साइकिल यात्रा निकाली गई। जन जागरण साइकिल यात्रा का शुभारंभ सोरो कस्बे के मेला ग्राउंड से किया गया। जन जागरण साइकिल यात्रा सोरो से कासगंज तक निकाली गई। साइकिल यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में सपा सांसद देवेश शाख और सपा यूजन सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद मुख्य रूप से शामिल रहे। इस साइकिल यात्रा में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर साइकिल चलाई। वहीं जानकारी देते हुए सपा सांसद देवेश शाख ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूजन सभा की जन जागरण साइकिल यात्रा PDA की साइकिल यात्रा है। धरती पुत्र श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के द्वारा आयोजित ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे साथ इस राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय फहद भाई हैं और जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव यादव के नेतृत्व में इस साइकिल रैली को निकाला गया है और ये साइकिल रैली बड़ी ही सफल रही है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसका उद्देश्य क्या रहा? ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह ये कार्यक्रम करे जा रहे हैं और मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष करके जो सर्व समाज के लिए जो किया है उसको याद दिलाया जा रहा है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी आगे अपनी रणनीति तय करेगी। जी सर, सॉरी, हाँ, हर क्षेत्र में कहीं गांव अंचल में या शहर में बड़े बड़े छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सभी कार्यक्रम बहुत सफल हो रहे हैं। कल पटियाली में साइकिल रैली को रोकने का प्रयास भी किया गया था, बताया जा रहा है। आपके द्वारा, देखिए, प्रशासन नहीं चाहता, प्रशासन समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रहा है और जब धारा 144 लागू है और किसी को संदेश नहीं दिया, किसी को लिखित में कोई पारित नहीं किया कोई आदेश, और धारा 44 लगाने का मतलब क्या था? जब धारा 44 लागू ऐसे धार्मिक पर्व पर होगी, जिस समय दशहरा था तो जो लोग दशहरे का शोभा यात्राएं निकाल रहे थे उन पर भी रोक लगा देते ये लोग, तो इनकी संभावनाएं ये हैं कि ये नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी का कारवां आगे बढ़े। और लेकिन हम समाजवादी लोग बड़े संघर्षशील हैं, हम अपनी जो योजनाएं हैं, जो हमारा आइडियोलॉजी है, उसको घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं।